14 छात्राएं पहुंची अधीक्षिका राजकुमार कोहली को हटाने की मांग को लेकर आदिम जाति कल्याण विभाग। शिवपुरी की अनुसूचित जाति कन्या सीनियर छात्रावास की छात्राएं आज आदिम जाति कल्याण विभाग पहुंची। उन्होंने छात्रावास अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी से उनकी शिकायत की है। अधीक्षिका को हटाने की मांग भी छात्राओं ने रखी है। जानकारी के अनुसार निशा जाटव निवासी गोपालपुर छात्रा ने बताया कि वो अनुसूचित जाति कन्या सीनियर छात्रावास की छात्रा हैं, वहीं भारतीय विद्यालय में वो पढ़ती हैं। छात्राओं ने अधीक्षिका राजकुमारी कोहली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा ने बताया कि अधीक्षिका उनको ढंग से खाना नहीं देती, सुबह नाश्ता भी थोड़ा सा देती हैं, जिससे छात्राओं को चक्कर आ जाते हैं और ना ही पानी पीने की सुविधा यहाँ पर है। पानी पीने के लिए और भरने के लिए उनको बायपास तक आना पड़ता है, जिसके कारण उनको पढ़ाई में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अधीक्षिका का व्यवहार बच्चों के प्रति सही नहीं है। 2 साल से छात्राओं की स्कॉलरशिप नहीं आई है। जब अधीक्षिका से पूछा गया कि स्कॉलरशिप नहीं मिली तो उनका जवाब होता है कि तुम पैसों का क्या करोगी, मोबाइल लोगी। इस तरह का बर्ताव अधीक्षिका के द्वारा किया जाता है, जिसके बाद आज छात्र छात्राएं आदिम जाति कल्याण विभाग पहुंची। बेटा आपका नाम? सर मेरा नाम निशा जाटव है, मैं गांव से हूँ, गोपालपुर से भारतीय विद्यालय स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे छात्रावास का नाम अनुजाति कन्या सीनियर छात्रावास। आदिम जाति कल्याण विभाग कैसे आना पड़ा? वो हमारी मैम है ना, राजकुमारी कोहली मैम है, वो हमें ठीक से खाना नहीं देती टाइम से। नाश्ते में पुआ मिलते, थोड़े से पुआ मिलते, उससे कुछ नहीं होता। लड़कियों को चक्कर आने लगते हैं स्कूल में, और बस 12 बजे आधे 12 बजे खाना मिलता है। वो 3 रोटियां मिलती हैं खाने में, थोड़े से चावल मिलते हैं। दाल है तो दाल ऐसी ही बनाती है, एकदम पतली सी दाल बनाती है, और शाम को खाना मिलता है बस वही। जी जी बोलो बोलो बोलो। वही खाना मिलता है, दाल रोटी, रोज दाल रोटी ही मिलती है, और शाम को नाश्ते में और कुछ नहीं मिलता है 4 बजे। केवल यही परेशानी है कि या कुछ और भी है उनसे? उनसे और भी है, हमारे पिछले साल की स्कॉलरशिप नहीं आई छात्रावास से जी। हाँ, और इस साल की भी नहीं आई। जब मैम को बोलते हैं स्कॉलरशिप लेने की, तो बोलती हैं कि तुम क्या करोगी, मोबाइल लो खरीदोगी क्या, ऐसे बोलती हैं। और बस आजकल डाल दूंगी ऐसे करके, पिछले साल भी निकल गई, इस साल भी हो जाएगी। मैम का व्यवहार कैसा है आपके प्रति? मैम का व्यवहार अच्छा नहीं है, वो ठीक से बात भी नहीं करती हैं हमसे, और थोड़ी थोड़ी बात पर डांटती भी हैं हमें। और पानी पानी की भी परेशानियाँ हैं हमारे यहाँ, पानी भरने के लिए हम बाईपास पे जाते हैं, पीने के लिए पानी नहीं था। अब आप क्या चाहती हैं ये बताएं? अब हम चाहते हैं हमारे हॉस्टल से मैम को हटाया जाए। मैम का पूरा नाम बताएंगे आप? राजकुमारी कोहली। सर जब बालिकाएं आई हैं यहाँ आवेदन देने, क्या है पूरा मामला? ये सीनियर कन्या अनुसूचित जाति छात्रावास सोच रही है कि पास जो छात्रावास है उसकी बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं जी, और ये अधीक्षिका की शिकायत करने के संबंध में एक आवेदन लेके आएंगी। कलेक्ट्रेट में बैठी थी, मेरे को बताया गया कि जो हमारे विभाग की छात्रावास है उस अधीक्षिका से परेशान है। इनको अपर कलेक्टर मैडम से इनको सुना गया जी, और सुनने के पश्चात इनके कथन लेकर हम आगामी कार्रवाई हेतु कलेक्टर सर के समक्ष रखेंगे, और जो छात्रा परेशान हैं इनके कथन के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। आपने अभी मैंने कैसे सुना है कि उनको अधीक्षिका को पहले भी हटाया जा चुका है वहाँ से? हाँ, इनको यहाँ से दबिया किया जा चुका है ट्रांसफर जी, और इस छात्रावास को हमने जो पोस्ट मैट्रिक छात्रावास है हमारा, उसमें जो भवन खाली है ऊपर का मंजिल, उसमें शिफ्ट भी किया जा चुका है, लेकिन वो अधीक्षिका अपनी अधर्मता के कारण अधीक्षिका का रिलीव भी नहीं हो रही और जा भी नहीं रही, और हमारे ऊपर और कलेक्टर सर के ऊपर तरह तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप भी लगा रही है जी। और उसने अभी EWP भी हाई कोर्ट में दायर किया, जिसके जवाब सबमिट कर रहे हैं, और जो बच्चियों ने कथन दिया है इस कथनों को भी हम माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का जवाब तैयार करेंगे।